नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। उधम सिंह नगर के सितारगंज ब्लॉक के गोठा में दो युवकों द्वारा एक लड़की को अगवा करने का मामला सामने आया है, जिसमें अगवा लड़की की मां ने दो सगे भाइयों पर लड़की को अगवा करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। वहीं एक और आने वाली 4 दिसंबर को लड़की की शादी है और लड़की का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाने से परिवार वाले सदमे में है। यह था कि तुम्हारा कल तक शाम तक लड़की वापस आ जाएगी। अब कोतवाली की तरफ से कोई गरीब कदम नहीं उठाया जा रहा है और ढीले चल रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 4 तारीख की शादी है, रात आने वाली है। तो बलकार सिंह है और वो सुखा सिंह है, दोनों भाई हैं, कोई विवाद नहीं था। हमारी दो बेटी की शादी है 4 तारीख को है, बारात दोनों की। तो जो हमारे गांव के हैं उन्होंने हमारे ऊपर बहुत कुश्त की भाई, ज़बरदस्ती। कल सुबह 6 बजे की बात है, कल सुबह 6 बजे मैं डंगरों को चारा और डाल रही हूँ, लड़की मेरी बाहर गई पेशाब चुप करने, और सुखा और बलकार उसको ज़बरदस्ती गाड़ी पे बिठा के उसका मुंह बांध के ले गए हैं, दुपट्टे से मुंह बांध लिया और ज़बरदस्ती ले गए हैं। तो जब थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला हुआ मैं भागी पीछे, और मेरे भागने से मेरा पति भी भाग आए बाद में, दोनों मियां बीबी भाग गए हैं, बहुत दूर हो गए, ज़्यादा दूर हो गए। तो हम भाग भूग के हमने देख लिया, एक है बलकार एक है सुखा, जो लजार से लड़की का दुपट्टे से मुंह बांधा हुआ है। हम पीछे गए हैं घर पे, जब घर पे जाके हमने सबको बताया, इकट्ठे हुए फिर उनके घर गए हैं, हमारी लड़की वापस ले दो, हमने शादी रखी हुई है, हमारा शादी का मामला है, तुमने ऐसे जबरदस्ती क्यों किया। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम स्टोरी, उधम सिंह नगर।